दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपने हमारा थंबनेल देखा होगा स्क्रीन पर, ये प्लान एक ऐसा प्लान है जो लो बजट में आप बनवा सकते हैं। साइज मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, 20x40 में 20x40 फीट में मकान बनाना ये है आपका बना हुआ है। हालांकि मुझे 20x35 फीट में एडजस्ट करनी थी चीज़ें, बट वो जो चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको एक गेस्ट रूम चाहिए था, दो बेडरूम चाहिए थे, लेट बाथ, किचन, स्टेयर्स और आंगन और बारंदा भी चाहिए था। तो वो सारी डिटेल यहाँ पर, वो सारी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो 20x40 फीट में एडजस्ट हो पाई है। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को मैंने ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। हमारे एक जानने वाले थे, उनको इस मॉडल की रिक्वायरमेंट थी, तो इसी प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसका कॉस्ट भी बताने वाला हूं कि कितना पैसा घर को बनवाने में लगेगा। आपको ये आप सपोज दैट इसी मॉडल को आप सिलेक्ट करते हैं तो इसका 2D प्लान अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, बने रहे वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झाकड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो पूरा डिटेल प्लान जानने के लिए मैं ले चलूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बात करने वाले हैं 20x40 हाउस प्लान के। जैसा कि आपको बता दिया, ये पूरा मॉडल था जो मैं स्क्रीन पर देख दिखाया था आपको, और ये एक ग्रामीण क्षेत्र का प्लान है। हमारे जानने वाले थे, उनके कहने पर इस मॉडल को बनाया है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को क्रिएट किया। तो फ्रंट एलिवेशन ये होने वाला है, यहाँ पर एक विंडो बड़ा सा मैंने दिया विथ फ्रेम, और यहाँ पर साइड में एक बारंदे का डिजाइन है जिसपे बारंदे पर डिजाइन पर वी शेप का एक कर्व साइड का आपका डिजाइन बना हुआ है। आपका दो पिलर बने हैं और इसी पिलर पर पूरा आपका डिजाइन बना हुआ है। फ्रंट में ग्रिल बनी है, मैंने ज्यादा चीजों को यहाँ पर नहीं क्रिएट किया जिससे बजट इसका इंक्रीज ना हो। तो यहाँ पर ग्राउंड और फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर को मैंने कवर किया है। तो इसी प्लान को डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर होने वाला है। सबसे पहले मैं ऐसे जूम करके दिखा देता हूँ, दो पिलर हैं, इसके बाद ये है एक छोटा सा बारंदा। टोटल इसकी 20 फीट चौड़ाई है, 10 फीट का एक बेडरूम गेस्ट रूम बना है और 10 फीट पे आपका बारंदा बना है। गेस्ट रूम में ये बड़ा सा एक विंडो दिया है। स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर जाते हैं, अपने बारंदे पर पहुंचते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डोर वगैरह लगे हैं गेस्ट रूम में एंट्री करने के लिए। यहाँ से मैंने डोर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री करेंगे, इसके बाद अंदर जाने के लिए ये वाले डोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अंदर पहुंचते हैं तो आपका एक विंडो भी दिया है वेंटिलेशन के लिए, ये आपके एक डाइनिंग हॉल देखने को मिलता है। वहीं इधर की बात करें तो इधर टर्न होकर आप जस्ट स्टेयर्स से आप ऊपर जा पाएंगे और यहाँ पर ये आपका लेट एंड बाथ बना हुआ है स्टेयर्स के नीचे। सबसे पीछे आपके दो बेडरूम देखने को मिलेंगे और ये आपका एक किचन एरिया देखने को मिलता है। तो तीन बेडरूम, एक गेस्ट रूम, दो बेडरूम, एक डाइनिंग हॉल, किचन, लेट बाथ, स्टेयर और एक बारंदे का डिजाइन आपको 20x40 में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे आते हैं, मैंने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है, पीछे वही है, बस आपको ये लेट एंड बाथ हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मैं हटाना भूल गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है लेट एंड बाथ बनाना, क्योंकि यहाँ पर खुली जगह पाई जाएगी, क्योंकि जब आपका जीने के स्लोप बनेगा तो यहाँ पर ये जगह कटी हुई होगी, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये मुझे गलती से बन गया है, इसको आपको नहीं बनाना है। कुल मिला के किचन, दोनों बेडरूम और ये और आगे वाला बारंदे को आप लॉन टाइप का बना सकते हैं। बात करें इधर, आपके 3.5 फीट का ग्रिल बना हुआ है, बाउंड्री वॉल बना हुआ है, और यहाँ पर आपको ग्रिल का कॉम्बिनेशन मैंने व्हाइट ब्लैक का दिया है। इधर भी आपको वेंटिलेशन के लिए या एक पीओपी का डिजाइन बना है जो कि कट शेप में बना है। सबसे बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो इधर अगर हम देखें तो 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल स्टेयर्स को ढकने के लिए घुमटी, ओवरऑल मकान बनकर ये आपका रेडी हो जाता है। ये मॉडल 20x40 में 800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अगर इसकी ओवरऑल कॉस्ट की बात करें दोनों फ्लोर की, तो आपको 14 लाख रुपए तक इसमें लग सकता है। डिपेंड करता है आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्योंकि अलग अलग एरिया पर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों अलग अलग होती है, लेबर और मटेरियल कॉस्ट। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करिएगा, और इंस्टाग्राम या ट्विटर जहां पर भी आपका मन करे सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई मॉडल बनवाना चाहते हो और आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप मुझे मेरे साथ चैट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को यहीं ब्रेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।